Mose Chhal Kiye आज स्पेशली आपके लिए ड्रेसअप होना चाहती थी मैं, पर कैसे हूँ, गर्लफ्रेंड का नेकलेस तो आपने वाइफ को दे दिया। तुम उस नेकलेस के बिना भी बहुत ब्यूटीफुल लगोगी प्रिशा, एंड आई प्रॉमिस उससे 10 times बेटर नेकलेस दूंगा मैं तुम्हें। बट बी केयरफुल, सौम्या को कोई डाउट ना हो। वाओ, आपको सौम्या की फिक्र है, मेरी नहीं। ये नहीं सोचा कि फंक्शन में आपकी गर्लफ्रेंड क्या पहनेगी। जल्दी नीचे चलो, सब आ चुके हैं। या दस कमे या क्या हुआ ब्रो, कम ऑन। माही एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं कॉल लेकर आता हूँ, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। कूल, बट कम फास्ट। रिशा, फोन क्यों किया तुमने? डोंट यू रिमेम्बर कि कैसी सिचुएशन में फंस गए थे हम? हाँ तो क्या हो गया अरमान, फोन ही तो किया है, कौन सा आपको सबके सामने किस कर लिया है मैंने। रिशा, हाउ आर यू बिहेविंग, बच्ची हो क्या तुम? यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अरमान, मैंने आपको मैसेज भी किया, आपने मेरा मैसेज तक नहीं देखा है। कम ऑन प्रिशा, स्टॉप बीइंग सो चाइल्डिश। बार बार ऐसे मैसेज क्यों कर रही हो तुम मुझे? एक नेकलेस की तो बात है, वो नेकलेस मैंने ही दिया था ना तुम्हें। एक और लाकर दे दूंगा, बिगर एंड बेटर। नाउ स्टॉप मैसेजिंग, ओके? और सुनो, नीचे फंक्शन है, सबके सामने हम कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे बाहर करेंगे, दैट्स ऑल। मिस्टर अरमान ओबेरॉय की वाइफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, नजर ना लगे किसी की। सौम्या, सौम्या ओबेरॉय नाम है मेरी डॉटर इन लॉ का। और नजर कैसे लगेगी इसे आज, किसी की इससे नजर हटे तब ना। मेरा नेकलेस था वो, अब मैं क्या पहनूंगी। My darling daughter Prisha, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, गले में ना एक फ्लावर्स वाला नेकलेस पहनो। हाँ, फ्लावर्स वाला। फ्लावर्स कैसे होते हैं ना, तुम्हारे और अरमान के लव स्टोरी की तरह, सुबह सुबह एकदम फ्रेश और शाम को मुरझा जाते हैं बेचारे किसी काम के नहीं उड़ा लीजिए, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए। सौम्या भी इस घर में ना सिर्फ तब तक की मेहमान है जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। आज गोद भराई सौम्या की बेशक हो, लेकिन अरमान की आंखें मुझसे नहीं हटेंगी। Just wait and watch. सुषमा ने अपनी कमाई से लिए, हमारी पन्नो क्रिएशंस की कमाई से। सच? प्रिशा और तुम, आर यू किडिंग मी? आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन दिस वर्ल्ड, Prisha! Arman, I thought you were smarter than this. I mean, affair karo, that's fine. But, par apne ghar se itna dur to karo taki uski panak tumhari wife tak na pahunche. I mean,
How could you make this mistake, Arman? Prisha से अफेयर करना मेरी mistake नहीं थी पा. सौम्य से शादी करना मेरी mistake थी. मुझे लगा था कि pregnancy के बाद में change हो जाएगी वो. But no. Prisha came like fresh air in my life, and I got involved. Involved? I don't believe this. Don't say that word again. But ये जो reputation तुमने बनाई है इतने सालों से, that'll be finished. It'll be finished in seconds. तो हाँ, करो भी make sure कि प्रिशा होश में आने के बाद और कोई drama ना करे. अफेयर करना है तो उसके साथ अपने वाइफ को भी अपने प्यार का कॉन्फिडेंस दो, ताकि वो तुम्हें ट्रस्ट कर सके. इतना ट्रस्ट कि अगर भगवान भी आकर उसे कुछ कहे ना, she won't believe it. You got what I'm saying? कुछ बोलना चाहती थी. बता दूं सौम्या, आई लव. ऐसा कौन सा सच है जो प्रिशा मुझे बताना चाहती है? हमें तू बैठ बैठ, ठीक है ना? तू देख सौम्या, मुझसे पूछे तो ये प्रिशा का इस घर में इतना आना जाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है. हाँ नहीं तो मम्मी, प्रिशा जब से इस घर में आई है उसने मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया. पर हाँ, आज जो उसने किया उससे मैं वाकई में बहुत परेशान. सौम्या बेटा, इंसान और सोना, उसे चाहे जितनी बार मर्जी परख लो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा. अगर वो खोटा है तो हर बार खोटा ही निकलेगा. यही तो फर्क है सोने और इंसान में पापा. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.